अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, वेलकम बैक टू द न्यू रियल लाइफ मोड वीडियो। तो यार आपको तो पता है यार क्या हो गया है शहर में, कैसा हालात चल रहे हैं अभी। और मैं पता नहीं क्यों यार मैं पुलिस से भाग के इधर आ गया हूँ। क्यों मैं, मुझे अभी ये समझ आ रहा है क्यों आया हूँ मैं। मतलब मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, अबे पागल हूँ मैं कसम से, सच्ची में बहुत बड़ा पागल हूँ। और मैं जाके DIG से मिलता हूँ जो कि नए आए हुए हैं, क्योंकि पहले तो SP साहब थे जो कि मौत हो गई है उनकी, अब जो है ना DIG आ चुके हैं लॉस सैंटोस में। तो आज मैं उनसे जाके मिलता हूँ, बात करता हूँ कि यार क्या सीन है यार, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए और मुझे क्यों बुला रहे थे। तो फटाफट से उनके पास चलते हैं। और मैं भी खामखा उनसे डर रहा था और पता नहीं क्यों मैं भाग रहा था, ऐसा लग रहा था कि यार मैंने खून किया है। और उनका भी जो है ना ज़्यादा मुझ पर शक आ गया क्योंकि मैं भाग के आ गया ना उनसे। तो अभी फटाफट से चलते हैं। और शहर में बहुत ही हल्ला गुल्ली मची हुई है और बहुत ही लाठी वाठी चार्ज लगी हुई है, सब लोगों को मार रहे हैं। मुझे अबू ने बताया है, सब कुछ रिपोर्ट दी है उन्होंने। तो पहले ऐसा करते हैं घर चलते हैं, अबू को भी लेकर चलता हूँ मैं, और ऐसा ना हो कि यार अबू को भी पुलिस वाले लेके जाएं मेरी वजह से। तो मैं पुलिस मतलब अबू को लेके जाता हूँ पुलिस स्टेशन, फिर बात करते हैं उनसे क्या सीन है, ठीक है। तो फटाफट से कबू से छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, सारे मिल के एक दफ़ा वीडियो को लाइक मार देना और 30 लाइक्स तक पहुंचा दो इस वीडियो को, ठीक है। यार भाई ये बाइकर गैंग की तो गैंग खत्म ही नहीं हो रही, पहले भी उनका मैंने एक लीडर मारा था, ठीक है। तो वो जो है ना मेरे से दुश्मनी आगे क्यों नहीं कर रहे, मतलब मेरे को क्यों नहीं वो कुछ कर रहे, डायरेक्ट जो है ना उन्होंने SP को मार दिया, ऐसा क्यों। मतलब यार ये कुछ समझ नहीं आई मुझे बात, शायद SP से कुछ और दुश्मनी हो सकती थी इसलिए। बाकी मुझे लग रहा है मेरे ऊपर भी वो आ सकते हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा ध्यान में रहना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि यार SP कोई क्यों मारा, और ये कौन है जो बाइकर गैंग को अभी चला रहा है, मतलब कि इनका और भी कोई लीडर है, तो मुझे कोई समझ नहीं आ रहा यार। एक तो यार मुझे सोनू से भी जो है ना बात करनी है, बट वो मेरा साला फ़ोन ही नहीं उठा रहा, ना ही कुछ उसका कुछ मैसेज आया हुआ है, पता नहीं कहाँ पे मर रहा है यार कसम से। चलो चलते हैं। अबेस ये क्या हो रहा है भाई, व्हाट द हेल भाई, अचानक से एकदम झटका आ गया मेरी गाड़ी को। चलो कोई बात नहीं यार, ठीक करवा लेंगे, बट अभी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया भैंस के यहाँ। चलो तो यार मैं अभी उनको जो है ना बिना बताए इधर आ गया हूँ, और उन्होंने बोला था कि बाहर मत जाना, तो अब तो वो भी वाट लगाएंगे मेरी। बट यार बस खैर से पुलिस वाले ना हो यार यहाँ पे भाई। चलो चलो फटाफट से पहुँचता हूँ यार। अबे यार ये तो देखो, अबे चलो शुक्र है पुलिस वाले नहीं आए यहाँ पे। चल 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 फटाफट अपू के लेके चलता हूँ यहाँ से, पता नहीं यार वो भी टेंशन कर रहे होंगे। अबू जी, अबे चौप हट जा, अबू जी कहाँ है। ओ शिट, अबे यार ये कहाँ से आ गए, इनकी गाड़ी नहीं थी। हाँ भाई ब्रेकलिन आ गए, तुम्हारा इंतजार था, हमें पता था तुम यहाँ पे आओगे। अरे सर जी, सर हम आ रहे थे पुलिस स्टेशन, और सॉरी यार मैं भाग गया था। हाँ, अब तू सॉरी बोलेगा। ऑफिसर्स दोनों को अरेस्ट कर लो जल्द। हमने क्या किया है, हमें क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, फ्रिकलिन क्या किया तूने साले। अरे अबू जी मैंने कुछ नहीं किया यार, पता नहीं क्यों ये DIG हमें जो ना बुला रहा है। यार मुझे पता था तू, यार तू कुछ ना कुछ कांड करेगा, अब चल अब जेल में चक्की पीसेंगे साथ में। यार ऐसी बात नहीं है, चलते हैं ना DIG से बात करेंगे, वैसे भी मैं आपको लेने ही आ रहा था। हाँ, मुझे पता है साले, मेरी फोन भी नहीं उठा रहा था तू है। अरे यार अबू जी बस छोड़ो, तुम दोनों चुप हो जाओ, इतनी बातें करते हो है? ऑफिसर्स अरेस्ट करो जल्दी। सर एक बात बताएं, आपकी बाहर गाड़ी तो नहीं है, आप कैसे लेके जाएंगे। मुझे पता था तुम यहाँ पे आओगे, इसलिए हमने गाड़ी थोड़ा सा पीछे पार्क किया है। सर बहुत तेज हो गए हो आजकल। भाई सिंध पुलिस है हम, ऐसा वैसा नहीं है, लोगों को बात सुनाई नहीं आ रही शायद। चलो लेके आओ इन दोनों को गाड़ी में, शहर में आज नाकाबंदी करेंगे, पूरे शहर को बंद करूंगा मैं। ये फ्रैंकलिन का बच्चा तो हमें मिल गए, अब हमें जो है ना अब गैंग को पकड़ना है, गैंग का कैसे पता चले। और ये दूसरा मुझे अब याद आया है, इसके साथ दोस्त भी होता था ना, वो सोनू का बच्चा। हाँ वो सोनू सिंधी नहीं है, आगे इसका घर भी है। चलो इनको बिठाओ ना, कहाँ चले गए, कहाँ मर गए दोनों। उनको हथकड़ियाँ लगा रहे हैं। हाँ जल्दी करो लगाओ हथकड़िया, बैठाओ पीछे, सालों को इतना डंडे मारूंगा मैं आज। तो फ्रैंकलिन कैसा लग रहा है तुझे पीछे बैठने में, मजा आ रहा है। यार सर कैसी बातें कर रहे हैं सर, जल्दी लेके चले, यहाँ पे मेरी इज्जत है यार। सर आप मुझे गाड़ी में ये से नहीं बिठा सकते, सर आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं पहले ये तो बताएं। हाँ सब कुछ पता चल जाएगा तुझे, बस तू चल तो सही DIG से मिल तू पहले, फिर देखते हैं तुझे।
और इतनी मिलकत बना ली है तूने, है गाड़ियां वाड़ियां खरीद रहा है डेली भाई तू, है पता चल रहा है हमें क्या कर रहा है तू है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, जिसने मारा है एसपी साहब को उसको पकड़े ना। हाँ सबको पकड़ेंगे, अब तो तुम्हारी बारी है। चल ऑफिसर बैठ गाड़ी में, सीधा लेके चलते हैं इनको, डीआईजी साहब बहुत इंतजार कर रहे हैं इनका। नालायक के बच्चे ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, पहली दफा मैं किसी मोबाइल गाड़ी में बैठा। यार अपू जी आई एम सॉरी यार, मुझे क्या पता था कि मुझे भी ये जेल करेंगे, और ये डीआईजी को पता ही नहीं है कि मैंने इतना अच्छा काम किया। बहुत अच्छे काम करता है तू, चुप हो जाओ दोनों, चुप हो जाओ, कब से हमारा सर खा गए हो, चुप बैठो। आगे आगे आगे, चलो चलो उतारो दोनों को, जल्दी करो उतारो, जल्दी करो, पहुंच गए, चलो भाई उतरो उतरो जल्दी करो, ऐसे डंडे मारेगा डीआईजी साहब फिर जाके ये बोलेगा फ्रैंकलिन इसकी किसी गैंग ने एसपी साहब को मारा होगा। चलो चलो आ जाओ आ जाओ। ओए फ्रैंकलिन लाल नाइट कहाँ जा रहा था तू? सर कहीं नहीं सर, मैं क्यों भागूंगा सर, मेरी कोई गलती नहीं है। अबे आ जा पता चल जाएगा, डीआईजी साहब आपका ही वेट कर रहे हैं, आ जाओ जल्दी। आप लोग यहाँ पे वेट करो, मैं अभी सर से मिल के आता हूँ। अरे सर सर अस्सलाम वालेकुम, सर ये क्या कर रहे हैं, सर मर जाएगा, सर छोड़ो, अरे सर छोड़ छोड़ सर, अरे सर क्या कर रहे हैं, अरे पागल का बच्चा ये कहाँ से आ गया, ये तो गैंग वाला कोई, सर सर छोड़ दे सर, उसको बेहोश हो जाएगा सर, वो मर जाएगा सर, सर आपको चाकू किसने, अरे सर सर छोड़ दे प्लीज, वो मर सकता था सर, और वैसे भी सर आपको चाकू किसने दिया। अबे तो भाई तुम्हारे पप्पो का बेटा है, चाकू हो या मेरे पास कर लो, मैं डीआईजी हूँ मेरी मर्जी, और तुम मेरे काम में क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो, मैंने तुमको क्या बोला था फ्रैंकलिन को लेके आए? सर उसको लेके आया हूँ, वही तो बताने आया था अभी आपको। अब इसको लेके जाओ जेल में, इससे बाद में मिलता हूँ मैं। ओके सर। अबे चल पागल के बच्चे इधर आ गया तू। हाँ भाई फ्रैंकलिन चल यार, तुझे डीआईजी साहब बुला रहे हैं। हाँ भाई चल रहा हूँ, कब से वेट तो कर रहा था मैं भी। हाँ चल भाई चल। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, तमीज नहीं है कि दरवाजा खड़का के आते हैं, या तो परमिशन लेते हैं। सॉरी सर, मुझे लगा बस आपने बुलाया तो मैं अंदर आ गया। सर इसको कोई तमीज नहीं है, साला ऐसा ही है ये। यार अब आप मुझे बात करने देंगे, आपने इधर बुलाया है मुझे। अच्छा सर आपने क्यों बुलाया मुझे, मैं मुझे क्यों अरेस्ट करके आप लेके आए हैं पुलिस गाड़ी में? सब कुछ बता रहा हूँ, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? सर थोड़ा सा बताए ना मुझे यार, सर आप इतना मतलब मुझे लेके आए हैं, इतना मतलब पीछे पुलिस की गाड़ियाँ आपने छोड़ी है। तो गलती तुम्हारी है, तुम क्यों भागे थे वहाँ से? अगर तुम्हारा कोई कसूर नहीं है तो तुम भागे क्यों थे? सर वो मुझे बाद में पता चला था कि मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, तो मैं भाग क्यों रहा हूँ? तो अब तुम्हारी गलती है ना वो। हाँ सर वो तो है। हाँ तो अब बात सुनो मेरी, तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है सोनू? सर उसको मैं बहुत सारी ट्राई कर रहा हूँ, कॉल्स वाल्स कर रहा हूँ, बट वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ मर गया है वो, उसको मैंने इतना ढूंढा है। ओह अच्छा अच्छा, अब मुझे यकीन आ गया। क्या सर क्या यकीन आ गया? कि वही एसपी साहब को उसने ही मारा है। सर कैसी बातें कर रहे हैं सर, वो कैसे मार सकता है, वो खुद पता नहीं कहाँ गायब है। अबे पागल के बच्चे, उसने ही मार के वो गायब हो गया है ना, समझ नहीं आ रही तुम्हें? यार अपू जी कैसे बातें कर रहे हैं, सोनू कैसे मार सकता है एसपी साहब को यार, वो कितना शरीफ है आप बताएं यार, अपू जी आप ही बताएं। फ्रैंकलिन सही कह रहा है यार, सर ये बहुत ही सही कह रहा है, सोनू ने कुछ नहीं किया है सर, उसको उसको पता ही नहीं है, और वो बहुत ही शरीफ है, उसको गन ही चलाना नहीं आती। ऐसे लड़के ही खतरनाक होते हैं, समझ आ रही है बात? सर नहीं आप शायद आप उनसे मिले ही नहीं है ना, इसलिए आप ऐसे बातें कर रहे हैं। हाँ हाँ तो ढूंढो ना उसे, मिलते हैं। ऑफिसर काले उसको भी ढूंढो, और बाइकर गैंग के जितने भी गैंग वाले लोकल सारों को पकड़ो, लाठी चार्ज करो, और पूरे शहर को बंद करो, एसपी साहब की मौत हुई है, अब मुझे ही बाहर निकलना पड़ेगा, इन कुत्तों को मुझे ही मारना पड़ेगा। हाँ सर ऐसा ही होगा,
और सबको वाट लगाएंगे, अब पता चलेगा। सर मैं सब कुछ करता हूँ, सोनू को भी ढूंढता हूँ और इन बाइकर गैंग वालों की और जो भी लोकल गैंग है सबको पकड़ता हूँ मैं। और सही है, और मुझे जल्दी से रिपोर्ट दो। बाइकर गैंग के ऊपर पूरी लाठी चार्ज करो और उसके बाद सोनू को पकड़ो, सीधा मेरे पास लेके आओ, ठीक है? अगर भागने की कोशिश करें तो उसको गोली भी मार दो। सर कैसी बात करें, गोली क्यों मारेंगे? तू हमें सिखाएगा, मेरा मतलब गोली मार के उसको इधर लेके आओ जख्मी करके। यार क्या टेंशन हो गई है, कौन है यार एसपी को, किसने मारा होगा, अब मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। बेटे तुम यहाँ से नहीं हिल सकते, पुलिस स्टेशन में हो तुम, ठीक है ना? सर मुझे बाहर निकालो सर, मैं कुछ कर सकता हूँ, आपकी हेल्प करूंगा। पहले भी मैंने ही बाइकर गैंग के लीडर को मारा था। ओह अच्छा, तो मतलब तूने पहले भी किल किए हैं ना, पहले भी तूने बंदे मारे हैं मतलब, है ना? अब तूने बोल दिया बेटे। अरे सर वो तो एसपी साहब से मैंने परमिशन ली थी, उसको बताया था मैंने और उन्होंने भी मेरी हेल्प करवाई थी। ओके काले तू जल्दी जाओ भाई, तू निकल यहाँ से। ओके ओके सर अभी करता हूँ मैं सब कुछ। नहीं आ रहे, मुझे बोल रहे हैं लाठी चार्ज का। हाँ भाई जेल में कर दिया उसको? जी सौंप कर दिया उसको। हाँ सही है, चल आजा यार, गाड़ी निकाल और अपनी फोर्स को भी बुला, साला गैंग को पकड़ना है और सोनू को भी ढूंढना है। और भाई ये सोनू ने भी पता नहीं तंग कर दिया, पता नहीं कहाँ मर गया ये। ओके सर अभी मैं निकालता हूँ गाड़ी। हाँ यार जल्दी कर, काफ़ी गर्मी हो गई है भैंस की यहाँ। अबे सालो तुम्हारे बाप की होटल है, यहाँ पे सिगरेट चाय पी रहे हो, हैं? निकलो यहाँ से कुत्तो, अबे निकल साले, बाप की होटल समझी हुई है। गाड़ी रेडी हो गई? जी सर गाड़ी रेडी है। हाँ तो चलो चलो। साला इधर इधर गुस्सा दिला रहे हैं मुझे पहले ही। चलो भाई साहब, सारा आज तो मैं लोकल गैंग बाला गैंग जो भी है तो ख़त्म करूँगा, इनकी तो मैं बैंड बचाऊँगा आज। अबे ये देख साले हाथ ना कैसे। चल चल भाई हटो 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 यार, क्या मुसीबत है। डीआईजी साहब बोला कि यार मैं निकल रहा हूँ आज, और खुद जो है ना उनसे बातें कर रहा है और मुझे बोला दिया कब राउंड लगाएंगे शहर का। वो भी जब से आए हैं तब से भाई ऑफिस का जो है ना गला पकड़ के बैठे हुए हैं, निकल ही नहीं रहे बाहर। हाँ तो एक यहाँ पे लोकेशन है ना इनकी, चलो यहाँ पे ये रहे साले, अभी इनसे बात करता हूँ, अगर भागने की कोशिश करें तो डंडा मारना सालों को। हाँ भाइयो लड़को इधर इधर बात सुनो। हेलो अबे पुलिस वाले आए हैं। अबे ये क्या है, अबे गूंगे हो क्या, अबे क्या सुनाई नहीं दे रहा? अरे तल क्या हो गया, इतना तिल्ला तू ले हो? अबे ये क्या बोल रहे हो, मुंह से सुपारी निकाल। तर मेले तो मुंह में तुपाली नहीं है, क्या बात तल ले हो आप? अच्छा अच्छा आप तो यहाँ पे क्या तल ले हो तल? अबे कुछ पूछना आए थे हम तुमसे। दही तल पूतो पूतो मेले थे, क्या पूछना चाहते हो? अबे वो एसपी साहब की मौत हो गई है। तल मैंने नहीं थी तल, अम्मी तो ततम मैंने नहीं थी आतो तो भी। अरे हाँ हाँ चुप कर बच्चे, मुझे पता है तूने कुछ नहीं किया। तो अरे मैंने तो पीते तू पत्ते हो। अबे चुप हो जा, तू यह पता तुम्हारे वो बड़े बड़े लीडर तुम्हारे बड़े बड़े गैंग वाले कहाँ मिलेंगे? आप दी जो जो टाउन टाउन बन रहा है ना। अबे क्या बोल रहा है, सही से बोलना यार। ताब्दी वो नवा टाउन बन रहा है ना, वहाँ पे वो सारे खड़े हुए हैं। अच्छा 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 अभी जाता हूँ मैं उनके पास, और तू जो ना शहर से बाहर मत जाइयो, मैं फिर से तुमसे मिलने आऊँगा। चल भाई चलते हैं यार, ये तो साले फकीर थे भैंस की। अरे हाँ साहब ने बोला था ना सोनू को भी पकड़ना है, उसकी नौकरी लगी थी रिक्शा ऑटो रिक्शा में। हाँ सही बोला, सबसे पहले चलते हैं वहाँ पे इंक्वायरी करते हैं और पूछते हैं वो सोनू का बच्चा किधर ऑटो चला रहा है। जी सर सही कह रहा हूँ, पहले मैं सोनू के बच्चे को देखता हूँ फिर इन लोकल गैंग को मारते हैं। अभी पकड़ता हूँ साले को, कहाँ पे इसकी लोकेशन कहाँ है ऑटो वाले की, जल्दी बताओ मुझे। अरे इधर ही है इनका ऑटो। अच्छा अच्छा देखता हूँ किधर है। सर इधर से रास्ता जाता है।
हाँ हो गए साला, इधर किधर इन्होंने ऑटो शोरूम बनाया हुआ है पागलों ने। अबे तुझे पता है ना सही से, यही लोकेशन थी ना? जी साहब जी। अच्छा आ जा जल्द पूछते हैं, यहाँ पे तो मुझे कोई रक्षा नजर नहीं आ रहा। साला किधर है यार? आप जी इधर कैसे आना हुआ आपका, कह रहे थे? हाँ कह रहे थे। तू मुझे ये बता, तुम्हारा ऑटो शोरूम है क्या यहाँ? साहब जी वो हमने चेंज कर दिया, यहाँ से हमारे दूसरे सेक्शन में जो है ना शिफ्ट कर दिया है। मुझे ये बता सोनू तुम्हारे पास काम करता है क्या? जी साहब जी वो सोनू सिंधी ना, जी जी वो काम करता है। वैसे साहब जी मैं मैनेजर हूँ, बहुत जो है ना वो बाहर गए हुए हैं। हाँ हाँ अभी तो जाएंगे ना बाहर, सोनू कहाँ है उससे मुझे मिलना है। साहब जी वो पता नहीं कुछ दिनों से नज़र नहीं आ रहा, और ऑटो भी लेके गया है, पता नहीं कहाँ चला गया है। अच्छा अभी समझा, अबे सोनू का पता नहीं तो तुझे मार दूंगा मैं, कह रहा हूँ अरेस्ट करो इसको भी। अरे साहब जी कैसी बातें कर रहे हैं साहब जी, मैंने क्या किया? मैं तो मैनेजर हूँ, मैं तो बस गरीब बंदा हूँ साहब जी, मुझे छोड़ दो। हाँ चुप हो जा, रो मत, और शहर से भी बाहर नहीं जाना, समझा? समझ आई बात? शोरूम में ही रहना, और नए शोरूम की मेरे ऑफिसर को लोकेशन दे दो। ये सोनू भी पता नहीं कहाँ चला गया है, और ये केक वालों के भी अभी मार लगाते हैं, चल।